अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आप सबको कोक स्टूडियो का इंस्टाग्राम लाइव सेशन विद आफ्ताब प्रवीण जी मैं खुश आमदीद। ये इंस्टाग्राम सेशन जो है ये अभी ये ख़ास आफ्ताब प्रवीण जी का जो अभी गाना आया है तू झूम, आफ्ताब प्रवीण जी और नसीबुलाल इनका भी जो गाना आया है कल, ये इंस्टाग्राम लाइव में हमने आफ्ताब प्रवीण जी को हमने इनवाइट किया है और उनसे हम कुछ सवालात पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। पूरा पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब लोग तू झूम कर रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, तो ये शर्फ की बात है मेरे लिए बताते खुद कि हम यहाँ पे बैठ के डायरेक्टली अभी आके आफ्ताब जी से बात कर रहे होंगे और उनसे पूछ रहे होंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है। तो मैं अभी उनको इनवाइट करूंगा, तो सिर्फ कुछ वक्त दीजिए मुझे। एंड मैंने अभी इनवाइट किया जी, प्रवीण जी आपकी टीम को भी नोटिफिकेशन जाएगी। मैं अभी बजाते खुद जितना एक्साइटेड हूँ, मेरी अभी एक्साइटमेंट लेवल मैं खुद अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक बार अभी आफ्ताब जी जब लाइव आ जाती हैं तो फिर हम और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आफ्ताब जी आपको बस देख के खुश हूँ, आपकी आवाज सुन के बहुत खुश हूँ, बस मैं ये कह सकता हूँ जी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह करम। मैं आफ्ताब जी थोड़ी सी मैं पहले बात एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ और उसके बाद आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अब से कुछ महीने पहले मैं नजफ में बैठा था और मैं मौला अली के मैं हरम में मैं बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि किस तरीके से वो क्या वजह है कि इश्के अली, इश्के अहले बैत, इश्के रसूल, खुदा शनासी किस तरीके से हमारी शख्सियत का हिस्सा कैसे बनती है, कि ये कैसे होता है कि जो इश्क है इन हस्तियों का, अहले बैत का जो इश्क है वो हमारी जात के अंदर परोया कैसे जाता है। और इसमें परवरिश माँ बाप की तो जरूर होती है, लेकिन एक चीज मेरे जहन में उस वक्त आफ्ताब जी आई कि आप जैसे खुदा के वो चोजन लोग, वो खुदा ने जिनको चुना है अपना इश्क बांटने के लिए, और वो इश्क भी ऐसे बांटते हैं आप के जात के अंदर वो इश्क समा जाता है। तो मैंने आपके लिए वहां से नजफ से आपके लिए खास दुआ की थी, और मैंने दुआ की थी कभी मुझे आपसे बात करने का मुझे मौका मिले, और आज मेरे नसीब मेरे खुदा ने लिखा है कि आपकी आपसे बात हो रही है मेरी। तो मेरे दिल में आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इज्जत है, आप मेरी रूहानी पेशवा हैं। पर अकरम जनाब सैयद सलामुल्लाह अलैह का उनका करम है, शहंशाहों का, कि उसने मिला दिया। क्या बात है जी, क्या बात है जी। मैं कोशिश करूंगा पूरी, प्लीज कहिए आप जी। जी जी मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आपका अभी जो आपका गाना अभी जो कल आया है उस गाने ने आके सीधा दिल के अंदर आपके अल्फाज समाए। मैं कोशिश करूंगा कि कहीं आंखें बोल ना पड़े और मैं आपसे सवाल पूछ सकूं। जी जी बट आफ्ताब जी आप बताइए, आप अभी कल तू झूम आया, आपका ऐसा माशाल्लाह से आपने एक अनमोल तोहफा दिया है पूरी दुनिया को तू झूम के जरिए। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग झूम रहे हैं, आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? बस उसकी जात से, उनका होना जो है हमारे लिए, बस वो अपना ही जहूर फरमाते हैं, हम क्या कर सकते, वो खुद बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे।
ये उन्हीं का ही रंग है, उन्हीं का ही रंग है, और कहीं रंग है ही नहीं। क्या बात, रंग लेना है तो फिर उधर ही है, उधर से ही आता है, क्या बात और है कहीं भाई। से नहीं, और कहीं से भी नहीं आता। जैसे ये शेर पढ़ा कि निगाह यार से निगाह यार निगाह यार जिसे आशनाए राज करे, वो अपनी खूबी है किस्मत पे क्यों ना नाज करे। बस ये है ही उनका, ये नाज भी उनके हैं, राज भी उनके हैं, बस हम तो ऐसे ही हैं बस। क्या बात है आपने हम जी? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, जो है वहां से है, जो देता है वही देता है। क्या बात है आपने जी? जब जब आप भी कलाम पढ़ रही थी, जब आप ये, जब आपने ये अल्फाज आप जब पढ़ रही थी आपदा जी, आप किस कैफियत में थी उस दिन? मुझे याद है मैं भी उस दिन सेट पे था, मौजूद था जी। मगर मैं चाहता हूँ कि आप, आपकी जबान से सुनूं कि उस दिन आप कैसा महसूस कर रही थी जब आपकी जबान से ये अल्फाज अदा हो रहे थे। असल में बात यह है कि जहां भी ये कलाम पढ़ा जाता है ना, दरगाह उधर ही होती है, वही दरगाह होती है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी दरगाह में हों, मगर दरगाह का जो एक सिलसिला है वो उधर ही कायम हो जाता है, क्योंकि वो तो दाइमी जात है, वो तो कायम जात है, तो वो जो है यही है कि वो चल के खुद ही आ जाते हैं, वो खुद ही हैं। मैं नहीं सब तू, मैं नहीं सब तू, तो जात वही है। जी हाँ, हम कुछ क्या भी बात नहीं है जी, मुझे यहाँ होना न होना, शेर शेर मुझे मैं पढ़ रही कि यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, होना यानी अपनी नफी करके देखिए, यहाँ होना न होना उसकी दरगाह में, यहाँ होना न होना है, न होना ऐन होना है, जिसे होना हो कुछ खाके दरे जाना ना हो जाए, ना हो जाए। तो बस फिर वो ऐसे ही बारिश बरसाते हैं, ऐसे ही कर्म करते हैं, वो कर्मों के मालिक हैं शहंशाह, उसकी जात जो है वो जाते इलाही है, जाते इलाही है, ऐसा माशूक है, ऐसा माशूक। क्या बात है आपका जी, सुभान अल्लाह। आपका जी उनका जिक्र भी ऐसा जिक्र है कि जैसे ही जिक्र जबान पे आता है तो दिल, जी हाँ, और फिर जबान बोलती नहीं है, फिर आंखें बोलती बयान हैं, से बाहर। और अभी आपकी आंखें बोल रही हैं जो इश्क की जबान वो आंखों से निकलती है। बेशक बेशक सच है, बेशक सच है। अब्दुल जी उसमें मेरा एक सवाल आपसे ये कि अभी कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, जब आप, आपको याद होगा जब आप तू झूम वाले दिन आप जब सेट पे आप तशरीफ लाई थी, और जब जैसे आप सेट पे आप दाखिल हुई तो सामने नसीबो जी भी आपके, आपको मिली, तो नसीबो जी उस वक्त बैठी हुई जी, थी जी, और जी हाँ। नसीबो जी ने उठना चाहा तो लेकिन आपने उनको कहा कि नहीं बैठ रहे, लेकिन वो फिर नसीबो जी फिर जबरदस्ती उठी और उन्होंने आके उठ के आपको गले से लगाया, उन्होंने आपके से घुटनों पे हाथ लगाया और आपसे फिर इजाजत मांगी और आपने भी आगे से इजाजत मांगी। मेरे से इतने मेरे दोस्तों ने, इतने मेरे दोस्तों ने मेरे से सवाल किया आपदा जी कि आपदा जी खुदा की पहुंची भी एक हस्ती है, खुदा के कितना करीब, उनका एक एक उनका एक खास मकाम है, और वो आपदा जी भी झुक के, अगर इतना झुक के इतने इनकी सारी से इतनी आजी से मिल रही है, तो ये आपदा जी इनकी सारी ये खाक सारी ये कहां से आई आपकी साथ के अंदर?
ये भी तो उस दरवाजे का तोहफा है ना, उस दरवाजे की देन है ये, जो जनाबे इमाम फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वो वफादारी के इमाम भी थे, पैगंबर भी थे अलैहिस्सलाम। तो ये सारी जो जहूर, मैं कहूंगी कि सब चीजों का जहूर जो है, अदब का, निगाह का, राज का, ये सब वहां का तोहफा है, हमें कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी नहीं, बस जो है वही है बस। क्या कहने आदर जी, आपने गाजी अब्बास का आपने नाम लिया अभी, मेरे वालदैन ने मेरा जो नाम हमारा रखा गया, मेरा नाम गाजी है, उन्हीं की निस्बत से, उन्हीं के इश्क में, उन्हीं के प्यार में, बेशक बेशक मुझे बचपन में मेरी अम्मा ने मुझे कैदी बनाया था जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे का, उनका कैदी बनाया था, फिर वो जंजीरें बांधती थी मुझे, फिर वो दर दर मंगवाती थी मुझे इमाम हुसैन के नाम पे दो, फिर वो एक सैयद होते थे उनसे वो जंजीरें खुलवाती थी। तो बचपन में जंजीर उनके कैदी है शहंशाहों के, अब मुझे बात नहीं हो सकी, आपका इश्क का जो मर्तबा है, आपका मुबद्दत का मर्तबा, हम सब उस रुतबे से रश्क करते हैं, आपकी आर्जी के, आपकी खाकसारी के हम सब मद्दा हैं, और उसी आपकी खाकसारी के, आपकी आर्जी के की बदौलत आपको खुदा ने जो रुतबा दिया है, हम सब जो जितने भी लोग देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जितने भी लोगों ने अभी ये तू झूम को भी सुना है, सब ने उसको इतना दिल से चाहा है, और आपके आंसू जो हैं आपके वो इस बात के गवाह हैं कि वो इश्क सच्चा है। बेशक इश्क बहुत सच्चा है। क्या बात है आदरी, मैं आपको एक लंदन का वाकया सुनाता हूँ आपके आपके बारे में ही है। मैं लंदन में रहता था इससे कुछ अर्सा पहले, तो आपको याद होगा साउथ बैंक सेंटर में आप आई थी एक बार 2017 में। जी 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 जी, आपको याद है, और उसमें आपने बहुत से कलाम पढ़े थे, तो मुझे याद है कि मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मैं अपनी जहाँ पे कुर्सी में बैठा था, तो मुझे था कि मैं उठ के झूमू, मैं उठ के जब आप कलाम पढ़ रही हैं तो मैं उठ के नाचूं, मैं उठ के घूमूं, लेकिन मेरे पीछे आपको पता है कि वो वहां पे सीट्स लगी होती हैं, तो सब सीट्स पे बैठे हुए थे, तो मेरे जो पीछे जो खातून बैठी हुई थी वो गोरी खातून थी जो उर्दू और वो नहीं बोलती, तो मुझे अब समझ नहीं आई कि मैं उनको कैसे बताऊं कि जब आपका कलाम आप जब पढ़ रही हैं तो मैं खड़े होके अगर नाचूंगा, या खड़े होके अगर मैं झूमूंगा, या खड़े होके अगर मैं धमाल डालूंगा, तो उनका वो पीछे देख नहीं पाएंगी, तो क्योंकि मैं उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तो मैंने उनसे मुड़ के मैंने माजरत की, मैंने उनसे कहा कि आपसे मैं दस्त बस्ता, मैं आपसे गुजारिश करके आपसे मैं माजरत चाहता हूँ कि अगर मैं बीच में खड़ा हो जाऊँ और आपको नजर ना आए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे से बैठा जा नहीं रहा, आपदा जी सामने कलाम अपना पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा, मेरी शक्ल देखी, कहा उन्होंने कहा कैसी बातें कर रहे हो तुम, इंग्लिश में उन्होंने कहा आगे से, उन्होंने कहा जब आपदा जी कलाम पढ़ना शुरू करेंगी तो मैं भी खड़ी होकर तुम्हारा डालूंगी। सुभान अल्लाह, बेशक आपकी आपका जो इश्क जो आप बांटती हैं वो उस किसी जुबान का मोहताज नहीं है, वो बेशक वो इश्क जो है वो किसी को जुबान की समझ आए ना आए उसको इश्क वो आके मिलता है। आपदा जी ये इसी इसी बारे में मैं चाहूंगा कि आपने ये जो अभी इस कलाम में आपने
तू झूम में जो आपने जो अल्फाज का जो चुनाव की अदायगी की है जी, उसमें से कुछ अशआर अगर आप अपनी जुबान हमें समझाएं कि उसका मतलब क्या है, अगर आप बताएं कि उसमें वो आपके दिल के करीब किस तरह मानी रखते हैं, जैसे कि जो है तेरा लग जाएगा करके कोई बहाना, जो है तेरा लग जाएगा करके कोई बहाना। यानी असल बात यह है कि किसी चीज की, अल्लाह सही ने कुरान में भी फरमाया ना कि सिर्फ मुझे याद करो और चीज की फिक्र ना करो, वो खुद ही तुम्हें ढूंढ लेगा, जो तुम्हें चाहिए वो खुद भी ढूंढता फिरता, सिर्फ वो जुस्तजू में होता है। तो मुझे सिर्फ याद करो, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, मैं तुझे याद करूं तू मुझे याद कर, तो बस बात तो यही है ना। जब याद करेंगे तो फिर दरवाजे भी खुलते हैं उसकी जहानत के, उसके शौक के, उनकी निगाह के, वो फिर निगाह अलग हो जाती है, वो फिर एक जैसे अंदर की रोशनी जो है वो अंदर की रोशनी से देखना शुरू करता है। इस तरह से उसकी याद में, उसकी याद हो तो हर चीज में एक ताजगी, हर चीज, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि जब आप इरादा रखें सच्चाई से, दिल से, रूह से, दिमाग के दिमाग से नहीं, दिल से, क्योंकि कल्ब जो है उसमें रूह होता है, कल्ब में रूह को अल्लाह ने रखा है, और दिमाग जो है उसका जो है वो, जब दिल से बात आती है तो फिर दिमाग में आती है। तो यानी ये तो वर्कर हो गया ना दिमाग। दिमाग वर्कर निकला है। दिल से आती है बात लब पे हफीज, दिल से आती है बात लब पे हफीज, दिल बात दिल में कहां से आती है, देने वाला कौन है, ये कौन सा रास्ता है जहां से आती है, देता तो वही है, अपनी जहानत तो ऐसे बिल्कुल खत्म हो जाती है जहां उसका लंगर शुरू हो ना, जहां उसकी रोशनी शुरू हो, अल्लाह सही का एक कर्म जब शुरू होता है तो सारी जहानतें खत्म हो जाती हैं, सारी सोचें खत्म हो जाती हैं, फिर वही सोच आती है जिससे फतेह याबी हो और खुदा की तरफ से एक कर्म जारी हो जाए। क्या बात है आपदा जी, क्या बात है आपदा जी, बड़े जो मैं हो गया, मैं सोच रहा हूँ अभी आपने कहा है, माशाल्लाह मौला आपको और बहुत लंबी जिंदगी दे कि आप इसी तरीके से ये प्यार, ये इश्क, ये मवद्दत ये बांटती रहे। आप आपदा जी, यही सवाल मैंने ये आपदा जी पूछना है कि बड़े ऐसे लोग हैं, कल से मुझे ऐसे हजारों लोगों के मुझे मैसेज आए कि जो आपके अल्फाज जब आपने अदा किए वो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पीड़ा नू मैं सीने लावा ते मैं हंस दी जावा, वाह वाह आपने, बिल्कुल ये अल्फाज, ये जो ये सलाहियत है टूटे हुए दिलों को जोड़ने की, ये खुदा ने आपको तोहफा दिए या आपने खुदा से मांग के लिए? बस वहां से जारी होता है सब कुछ, उधर से ही मिलता है और कहीं से है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, बस उधर ही मांगते हैं, उधर ही मांगते हैं। क्या बात है, खुदा को खुदा से मांगा जाए, बस यही खुदा को खुदा से मांगा, खुदा से मांगा जाए ना, और क्या है, कुछ भी और कुछ भी, और बस क्या बात, यही है कि अल्लाह सही समझ में नहीं आ सकता, तो जो समझ में आया वो खुदा कैसा। क्या बात है, वो तो अपनी समझ से तो उसके नजदीक भी नहीं जा सकता, बस ये उन्हीं की करम नवाजियां, मेहरबानियां हैं कि
उनका करम है बस। क्या बात है आपदा जी। आपदा जी तू जूम में आपका जी, तू जूम में आपका साथ निभाया है जी, मैं सुन रहा हूँ जी। जी क्या फरमाया आपदा जी, तू जूम में आपका साथ निभाया नसीबो जी ने, नसीबो लाल ने आपके साथ, उनके साथ काम करना आपको कैसा लगा, उनके बारे में कोई तासुरात? असल में बात ये है कि नसीबो जी, हम जब रिहर्सल में बैठे थे और सारी टीम थी, तो उसमें ये हो गया कि वो हमारे ही हाल हो गया, यानी हमारी जो मतलब के दिल की तर्जुमानी जो है वो हो गया, वो गाना जो कलाम जो है वो ही बन गया, यानी हमारा तर्जुमान हो गया वो कलाम जो है जी। वो जब हमने उसको नजदीक से देखा, जब हमने नजदीक से उसको जो है एक आर्ट के रूप में देखा, और जैसे जुल्फी साहब ने बनाया उसको अपनी दिल से, और हमेशा वो दिल की बात फरमाते हैं कि ये देखिएगा आपदा जी, सारे लोग जो है ना झूम झूम करेंगे, और वही हुआ क्योंकि वो उनकी दिल की एक तड़प थी ना, और वो तड़प ही खुदा है, जो यकीन है यकीन ही खुदा है ना, तो उसको यकीन था कि इस ये तड़प जो है वो लोगों में डालनी है, सुनने वालों में पैगाम पहुंचाना है इस तड़प का, तो वो जो एक जो हमारे अंदर का पैगाम भी वही हो गया, और हमारा पैगाम भी वही हो गया कि वो नसीबो लाल जो फरमाती हैं कि पीड़ा नु में सीने लावा, बड़ा पैगाम है ना कि दर्दों को जो है आप अपने सीने में वो एक संदूक की तरह उसको जो कीमती चीज होती है ना वो रखें उसको, फिर उसको पीड़ों को रख के तो फिर आप अपनी धुन में खुदा की धुन में चले जाएं, उसके मुल्क में चले जाएं, तो वो जो है ना आपका दर्द का दरमान वो कौन सा खुदा ही हो सकता है, तो फिर उससे खैर मांगा जाए। तो ये जो है अल्फाज जो है वो हमारे तर्जमान भी हो गए, और जो सुनने वाले हमारे, क्योंकि मैं सुनने वाले को अपना खुदा समझती हूँ कि उनके कान सुन रहे हैं, ये लोगों को हम नहीं सुना रहे हैं, ये अल्लाह के खास खासुल खास इंसानियत वाले लोग हैं, इंसान है अल्लाह के, तो ये हम उनको सुना रहे हैं, उनको पेश कर रहे हैं, उनकी दरबार में पेश कर रहे हैं, ये कोई ऑडियंस में थोड़ी पेश कर रहे हैं ना। क्या बात, ये हर बंदा एक दरगाह है। क्या बात है अब्दुल जी, हजरत बाबा कबीर साहिब का दोहा है कि हृदय भीतर दव बले, यानी हर बंदे के अंदर मैंने एक अलाव जला के रखा है, सुनिएगा जरा, हृदय भीतर दव बले, धुआं न प्रगट होए, मगर उस अलाव से, उस आग से धुआं जाहिर नहीं हो रहा, धुआं नहीं जाहिर हो रहा, फिर है कि जाके लागी सो लखे, की जिन लाई सोए, कि जिसको लगी है वो जानता है, या जिन्होंने लगाई है वो जानते हैं। हाँ, तो ये एक सिलसिला जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि अपने गम को भूल के दूसरों के दर्द दरमान हो जाओ, तो ये एक रास्ता अल्लाह की तरफ से है जो आपने आपने वापस जी अब आपने मुझे रुला दिए आपने जी, इसके बारे रोने के लिए तो आए, रोने के लिए तो हम आए हैं। क्या बात कि अपने दूसरों के गम, अपने हम भुला के दूसरों के गम भूल के उसमें शामिल होना है, ये लंगर उन्हीं का ही है, ये हमारा अपना लंगर है ना, हमारे लिए है और सबके लिए, तो बस यही सेटिस्फेक्शन तो
बंदे को आर्टिस्ट को नहीं होती, मगर ये है कि खुदा के कर्म से जो वो अपने जब कर्म को भेजता है तो बस यही हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है खुदा की तरफ से, फतेहयाबी होती रहे उस दरबार के। हम फकीर हैं, क्या बात है, अब हम फकीरों पे जी आप फरमाइए आदरी। हाँ, मकाम उसका है दिल की खिलवतों में, मकाम उसका है दिल की खिलवतों में, खुदा जाने मकामे दिल कहाँ है। खुदा जाने मकामे, वो तो वही ले गए उसी में वही बैठे, वो तो अपने मकाम पे है, पता नहीं किस मकाम पे वो कल तो कल फकीरों पे कल। एक फकीर था ना, वो आय हाय, तो कोई आदमी जा रहा था हज करने के लिए, तो उन्होंने पैसे वैसे बड़े जमा किए, तो हज करने के लिए जा रहे थे, तो कोई फकीर जा रहा था रास्ते से, तो कहा कि कहाँ जा रहे हो, कहा कि मैं हज करने जा रहा हूं, तो कहने लगा फिर मुझे ही फेरे ले लो, मेरे फेरे ले लो तो तुम्हारा हज हो जाएगा, क्योंकि खुदा तो जिस कल्ब में रहे, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस्त, सद हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। ये हदीस भी है मौला साईं की, मौला अली अलैहिस्सलाम के, जो बेहतर दिल है यानी कल्ब मुबारक जो है जिसमें खुदा रहता है वो काबे से ऊंचा है, तो उसके फेरे लगा दो। जैसे हजरत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार, उनको फेरे लगाने के लिए काबा गायब हो गए थे, तो यानी वो तो एक सिलसिला है, एक जो कहें कि जनाब अब्बास अलैह सलातु वसलाम, जनाब शहनशाह जो हैं, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ कोहे कहन कांप रहा है, कांप रहा है क्या बात है, इमामत इमामत है ना, अदब की, तो यानी वो तो ये मुहम्मदी झंडे के वारिस हैं जनाब फजल अब्बास अलैहि सलातु वसलाम सरकार। अफजल जी, क्या ये गुफ्तगू, मेरा दिल चाहता है कि ये गुफ्तगू चलती रहे और ये बात चलती रहे, और इल्म जो आप बांट रही हैं, जो इश्क की मिराज हो रही है यहाँ पे, मैं नीचे कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, जितने लोग ये अटेंड कर रहे हैं यही कह रहे हैं कि उनका दिल घूम रहा है उनकी इल्म की एक मिराज पे आप लेके गई सबको हमें। मैं बस कुछ वक्त को मद्देनजर रख के आपदा जी कुछ आखिरी कुछ सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। आपदा जी, आपने कोक स्टूडियो में जी। आपने जो भी आपने गाया है, आपने जो कलाम पढ़ा है जी। वो बहुत आवाम ने सुना है, आवाम के दिलों तक पहुंचा है। कुछ कोक स्टूडियो के हवाले से कि कोक स्टूडियो में जब आप आती हैं, आप जब आप कलाम कहती हैं या आपने गाना गाया अगर, तो आपको खुद कैसा महसूस होता है, कोक स्टूडियो के बारे में आपको क्या लगता है कि कोक स्टूडियो में ये है कि वो जो एक यक रूहानियत से जो लोग सुनते हैं और जमा होते हैं, तो वो एक बहुत ही अजब बात है कि वो जो कमेंट्स लिखते हैं ना, वो कमेंट्स कयामत होते हैं, वो कहीं उनको इरेज करने का तो वो एक किताब छपाई जाए जो उनकी वोकैबुलरी जो है उनके पास तसव्वुफ पे बात करने की, जो हजरत इंसान देख रहा है वो क्या लिख रहा है, उसके दिल की आवाज क्या लिख रही है, वो उसकी आवाज जो है दिल की, वो रूहानियत का कलम हो जाते हैं, रूहानियत का कलम।
वो उस रूहानियत के कलम से लिखते हैं ना जब, तो वो अजायबात लिखते हैं कि आदमी वो, मैं तो कमिट्स पढ़ के और रोना शुरू कर देती हूँ कि ये किसने लिखवाया, ये खुदा ने वहां से लिखवाया, क्योंकि बंदे का लिखा हुआ तो नहीं है। क्या बात है आपदा जी। हाँ, ये तो बंदे का लिखा हुआ है, तो ये कुर्बान हो जाए जो सुनते हैं और जो जिनको सुनवाया जा रहा है, कुर्बान जाए उनके, कि वो किस तरह से सुन रहे हैं, किस कल्ब से सुन रहे हैं, किस रूहानियत से सुन रहे हैं। ये खुदा का करम है बस, अल्लाह सही का, पंजतन पाक का, मुर्शिदों का, और कुछ भी नहीं। क्या बात है अब्दुल जी, आपने जितने भी अभी तमाम लोग ये देख रहे हैं इस लाइव को और जितने लोग ये देखेंगे इस वीडियो को, उनके लिए मेरा ख्याल आपने एक पैगाम दिया भी है। बट मैं आखिरी आपसे गुजारिश यही करूंगा आपदा जी, कि अगर आपके बहुत मद्दा हैं, आपकी इज्जत करने वाले पूरी दुनिया में बहुत लोग हैं, आप से, और वो जो आपसे जिन जिन लोगों ने आपकी आवाज सुन के, अभी ये तू झूम सुन के, जिनके टूटे हुए दिल जुड़ते हैं, जिन लोगों को आपकी आवाज पहुंचती है, उनके लिए आपदा जी अगर कोई आपके लिए पैगाम हो, आप उनके लिए कुछ अगर कहना चाहें। बस मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, वो जो मुझे पैगाम देते हैं ना जब, तो वो मैं यही अर्ज किया कि उनके पैगाम के तासुर सुनने के लिए हम बेचैन होते हैं कि ये कैसे सुनते हैं, इनके सुनने का अंदाज क्या है, हम क्या कहें इनको। और ऐसे ही हम कलाम पढ़ते रहें और सुनते रहें, मौला मुझे नए से नया कलाम देता रहे, और इसी तरह से फतियाबी हमारी यही है कि जिस तरह से लोगों ने दिया इस झूठ, तो बड़ा पूरी टीम पे और नसीबुल्लाल जी पे और बस सबकी जो शमूलियत हुई है वो बड़ी बाबरकत हुई है। जुल्फी साहब ने बड़ा काम किया, और जिन्होंने म्यूजिक बनाया, अरे क्या कहने, उन्होंने जो रूह इसमें भर दी है ना, एमन का जो टच दिया, अल्लाह अकबर, वो नहीं हट रहा बस कल्ब से। और वो एमन जो है ना, वो खासुल खास ईजाद है ऊपर की, एमन राग, और उसी का ही उन्होंने वो बरकत आ गई उसमें, क्योंकि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो एमन है उसी का ही उन्होंने टच दिया है, उन्होंने बनाया था एमन, वो अलग एमन है। क्या बात है आपदा जी, क्या कह सकते हैं आपदा जी, कोई क्या बात है आपकी आपदा जी, आपसे मैं तो अपने इश्क का, अपने प्यार का आपसे इजहार कर सकता हूँ कि आपका बहुत बड़ा मद्दा हूँ। मेरे लिए ये एक ऐसा इस लम्हे के लिए मैंने नजफ में मौला अली के दरबार पे मैंने आपकी मैं दुआ मांगी थी कि नसीब में हो कभी आपसे बात करना। जनाब अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्बान जाएं, बस क्या बताएं। और क्या बात है आपदा जी, मैं आप लेने से ही उस कट जाते हैं, बस करबला में ही होते हैं, करबला में ही हैं बेशक, उनका नाम लेना, उनका नाम लेना ऐसा ही है। क्या बात है आपदा जी, बहुत बड़े मद्दा हूँ मैं आपका आपदा जी, मुझे आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत से लोगों ने यहाँ पे कहा है कि सदा सलामत रहे सुनने वाले, सदा सलामत रहे, ये जो कलाम हुआ है तो उसकी बरकत से ये सारी टीम सलामत रहे। आप गाजी साहब, आपका नाम ऐसा अजब है कि बस सलाम है सलाम, तो बस अल्लाह करेगा फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे। इंशाल्लाह भाई, आप दरी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, सबसे बात करने के लिए, हम आपके बहुत मशहूर हैं। इंशाल्लाह तू झूम जो ये अभी गाना है ये और भी बुलंदियां देखेगा, और जो आपने इश्क और ऊंचा जाएगा इंशाल्लाह, इश्क जो आपने फैलाया वो पूरी दुनिया में फैलेगा और लोगों के दिलों तक ये पैगाम पहुंचेगा। बहुत मशहूर आप दरी आपका।